हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे ब्लॉग में। मैं हूं श्रभ। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी की डिमांड BL40 के बाद दोस्तों दिखाई है यहां पे ड्यूल चैनल के अंदर SLV का एम्पलीफायर। तो लीजिए दोस्तों, ये ड्यूल चैनल का एम्पलीफायर आ चुका है। 3002 इसका मॉडल नंबर रखा गया है। SLV यानी मोहाली हमारे वहां से ये आता है। और ये एम्पलीफायर जस्ट मैंने 2 महीने पहले ही मंगा के रखा था, जब मेरे BL40 को मंगाया था। दोनों एक साथ ही आए थे, दोनों भाई भाई एक साथ ही आए थे। तब से मैं इसको लगातार जो है वो टेस्टिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे इसके बाद भी वीडियो जो है वो इसकी आती रहेगी, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे शूट करी हुई है। तो आप जा सकते हैं कि मैंने इसको कितना टेस्ट करा है और कहाँ कहाँ यूज़ करा है, वो भी मैं आपको उसकी अलग अलग वीडियो जो है वो मिलती रहेगी। फिलहाल जो है वो एक वीडियो यहाँ पे आपको मैं दे रहा हूँ इस एम्पलीफायर का, कैसे रहने वाला है ये एम्पलीफायर, क्वालिटी कैसे है। सबसे अच्छी बात जो है इसकी प्राइसिंग है, प्राइसिंग को फुल्ली जस्टिफाइड करता है यहाँ पे, जो इसकी क्वालिटी है, इंटरनल पार्ट की क्वालिटी और पावर आउटपुट को फुल्ली जस्टिफाई करता है। और चलते हैं, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल पे हमें क्या क्या डिटेल्स मिल जाती हैं। तो गाइस सबसे पहले देख सकते हैं SLV की ब्रांडिंग, साउंड लाइन विजन इसकी फुल फॉर्म में। मॉडल नंबर मेंशन करा गया है 3002 इसका जो है वो मॉडल नंबर मेंशन करा गया है। ये भी आप देख सकते हैं, ये आते हैं वॉल्यूम नोब्स जो कि आपको दोनों चैनल के लिए सेपरेट दिए गए। इंडिकेटर थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऊपर वाला और लास्ट वाला जो है वो चैनल ए और चैनल बी का है। बीच में दोस्तों से देखते हैं वो यहाँ पे ऑन और यहाँ पे प्रोटेक्शन का है, जो कि आपको ये रेड में प्रोटेक्शन का मिलता है, ऑन वाला ग्रीन में मिलता है। यहाँ अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये काफ़ी बड़ी सी ग्रिल दे दी गई, साइड में ग्रिल दी गई है और यहाँ पे बाकी ग्रिल पे फॉर्म भी लगा रखा था कि जो डस्ट हो वो अंदर ना जा पाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन है, जो कि बहुत ही छोटा और प्यारा सा है। ऊपर से एक जो ये कवर दिया गया है इसकी सेफ्टी के लिए, नहीं जो वॉल्यूम नोब्स है उनकी सेफ्टी के लिए, प्लस इस स्विच की सेफ्टी के लिए हमें दिया गया। बाकी हैंडल बार तो आप देख सकते हैं, जो कि आप फ्लाइट केस में तो इस एम्पलीफायर को फिट करेंगे करेंगे या प्रोफेशनल काम करते हैं। बाकी दोस्तों ओवरऑल यहां से फ्रंट से मुझे ठीक ठाक देखने को मिलता है। चलते हैं बैक साइड भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी आपको देखने को मिलता है एम्पलीफायर का बैक पैनल, और बैक पैनल पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको हाईलाइट हो रहे होंगे यहाँ पे ये दो बड़े फैंस, जो कि यहाँ पे ड्यूल फैन का यूज करा गया। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इनपुट और आउटपुट सेक्शन यहाँ पे, यानी जो इनपुट है उसको ही सेम आप XLR बैलेंस में आउटपुट भी दे सकते हैं किसी और एम्पलीफायर के लिए। यहीं पे आप देख सकते हैं ये कुछ आपको स्विच सिलेक्शन मिल जाते हैं, सेंसिटिविटी मिल जाता है, लो कट का 30 Hz जो है वो आपको ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आप मोड जो है वो तीनों आपको मिल जाते हैं। बाकी इसके अंदर ग्राउंड, लेफ्ट या फिर ऑन आपको करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती है। स्पीक ऑन सॉकेट्स इसके अंदर दो दिए गए हैं, तो ए वाले जो स्पीक ऑन है उसके अंदर से आप ब्रिज मोड में यूज़ कर सकते हैं कनेक्शन चेंज करके, वो भी सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आपको मेंशन करी गई है। बाकी इसके अंदर एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे आपको ये टर्मिनल सॉकेट्स भी दिए गए। बच्चे साहब इन स्पीक ऑन का यूज़ नहीं करते तो आप ये टर्मिनल सॉकेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी ईजी पड़ जाएगा। बाकी मैं आपको सजेशन दूँगा, आप जब भी ब्रिज मोड यूज़ करें तो इनका यूज़ ना करें, इनका ही यूज़ करें। रीज़न ये है कि ये कभी कभार जल भी सकते हैं, क्योंकि पावर जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। बाकी हमारे ये ऊपर के साइड से आप देख सकते हैं ये सेफ्टी के लिए यहाँ पे दिया गया है, फ्यूज आ जाता है, जो कि आप यहाँ पे स्टार वाले पेज से इसको खोल सकते हैं। बाकी इसका ये पावर कॉर्ड आ जाती है, जो कि इंडियन में ही है, यानी मतलब इजिली जो है वो इंडियन प्लग में आप प्लग कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों अभी आपको देखने को मिलता है एम्पलीफायर का इंटरनल पार्ट की क्वालिटी, और यहाँ पे मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। तो यह आ जाता है ट्रॉयडल ट्रांसफॉर्मर, जो कि आप देख सकते हैं कॉपर में यूज करा गया है। बाकी मैं अगर बात करूँ यहाँ पे पावर सप्लाई, तो ये पावर सप्लाई दे सकते हैं दो आपको। यहाँ पे ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो यहाँ पे प्लेस करे गए, इस बात का आपको ध्यान दे रहा है। तो 63 वोल्ट 10,000 UF के हिसाब से इसमें यूज़ करे गए हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 पीस यहाँ पे ये यूज़ करे गए हैं। यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो मॉडल यहाँ पे आप दे सकते हैं, मॉडल के बाद मैं अगर बात करूँ तो बैक यहाँ पे जो ऑडियो कार्ड है इसका, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि ऑडियो कार्ड है। मॉडल मैं आपको निकाल के दिखाई देता हूँ कि मॉडल की क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैसी जो क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। मुझे यहाँ पे जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, यानी ईजी रिपेयरेबल है, और काफ़ी गैपिंग दे रखी है, देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस है उन पे गैपिंग दे रखी है, तो ईजी रिपेयरिंग हो जाता है, तो एक ये हमारे लिए प्लस पॉइंट रहता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं वही सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में आपको मिलेगी, कोई भी पार्ट मुझे इसके अंदर ऐसा नहीं लगा कि जो आपको मार्केट में मिले ना या फिर रिपेयर ना हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बाकी ये दो फैंस आ जाते हैं हमारे यहाँ पे, ये मॉडल के जस्ट पास में ही इसको प्लेस करे गए। फ्रंट का जो है वो बोर्ड और आप देख सकते हैं, यानी इनका जो नोब है उन पर भी काफ़ी अच्छा, यानी जो क्वालिटी है वो ठीक यहाँ पर रखने की कोशिश करिए। और बाकी यहाँ पर ये स्विच हो जाता है, और आगे के जो यहाँ पे जो थोड़ा सा बहुत जो मटेरियल है वो यहाँ पे भी प्लेस करा गया है,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे भी प्लेस करा गया, जैसे उसके बगल में यहाँ पे प्लेस कर दिया गया। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हैंडल बार की क्वालिटी तो ठीक रखेगी, पावर सप्लाई भी आपको इजी रिपेयरेबल जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी मार्केट में। तो दोस्तों कैसे लगी आपको क्वालिटी फ्रंट एंड बैक पैनल की, साथ में मैंने आपको दिखाया हैंडल बार की क्वालिटी और यहाँ पे मैंने मॉडल भी खोल के दिखाया जो कि आपको पार्ट्स की क्वालिटी मुझे दिखानी थी कि ईजी रिपेयरेबल है ये, मार्केट में आपको इसके पार्ट जो है वो मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी पावर रेटिंग्स का, और पावर रेटिंग्स क्या है इसकी, कैसी है, कितने ओम्स पे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 8 ओम्स की, तो ये आपको 1050 वाट इन 1050 वाट जो है वो आपको पर चैनल जो है वो निकाल के दे देगा। यहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे 4 ओम की, जो कि 4 ओम काफ़ी स्टेबल रहता है और अगर आप टॉप चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये 1575 वाट आपको निकाल के दे देगा पर चैनल, यानी एक चैनल पे 1575 वाट, दूसरे चैनल पे 1575 वाट आपको निकाल के दे देगा। यहीं अगर मैं बात करूं 2 ओम, तो कंपनी की तरफ से ये 2 ओम भी रिकमेंडेड है, कंपनी ने बोला है कि 2 ओम पे भी आप चला सकते हैं। तो 2 ओम पे 21 वाट जो है वो पर चैनल जो है वो आपको आउटपुट दे देता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैक पे आपको जो कनेक्शन है वो ब्रिज के कैसे करना है, तो ब्रिज की पावर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 8 ओम्स पे ही आपको 3150 वाट यानी दे देगा, इन दोनों चैनल को आप कन्वर्ट करेंगे 3150 वाट आपको ब्रिज पे ही निकाल के दे देगा। बाकी यहाँ अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ये आपको 4 ओम पे भी यहाँ पे ब्रिज आउटपुट देता है जो कि 4200 वाट है, जो कि मैसिव है यहाँ पे इसकी पावर हिसाब की रेटिंग से, और अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। तो आप ब्रिज मोड का भी यूज़ कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे डैम्पिंग फैक्टर 800 का जो है वो डैम्पिंग फैक्टर रखा गया है। बाकी यहीं पर ये क्लास कौन से में आता है, तो ये क्लास एच का एम्पलीफायर आता है जो कि अच्छे होते हैं, स्टेबल होते हैं, अगर आप इसको लाइव डीजे दोनों पे यूज़ करेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे देगा। बाकी अगर मैं बात करूं दोस्तों सारी की सारी डिटेल्स, यानी इसकी कुछ और डिटेल्स हैं, वेट, हाइट और लंबाई कितना है, कितना मोटा है, वो सारी की सारी नीचे डिटेल्स मैंने दे रखी है। स्लू रेट जो है, एसएन रेशियो क्या है, टीएसडी क्या है, वो भी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। अब रही बात दोस्तों यहाँ पे इसकी टेस्टिंग का, तो टेस्टिंग पे मैं दोस्तों आउटडोर में टेस्ट करने वाला हूँ। सिंपली इसमें मैं डालने वाला हूँ 1200 वाट के टॉप, यानी 600+600 वाट के जो है वो स्पीकर उसके अंदर मैंने डाले हुए हैं, और 110 वाट का जो है वो एचएफ मैंने डाला हुआ है। क्वालिटी मैं सुन के काफ़ी हैरान रह गया था, यानी स्टूडियो ये एम्पलीफायर है और जो क्वालिटी इसने निकाल के दी है, कन्वर्ट करके दी है, वाकई में काबिले तारीफ है। तो चलिए मैं आपको जो है वो क्वालिटी सुनाता हूँ इस एम्पलीफायर की। तो गाइस टेस्ट करते हैं और यहाँ पे आउटडोर में लेके आऊँ, जैसे कि आपको पता है आउटडोर में ही टेस्ट करते हैं और जैसे आप लोग चलाते हैं वैसे ही चलाएंगे। एम्पलीफायर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कनेक्शन फुल है यहाँ पे, ब्लूटूथ से मैंने कनेक्ट करा हुआ है, मतलब एम्पलीफायर में ब्लूटूथ नहीं है, मिक्सर से मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट करा हुआ है, कोई भी वायर नहीं हमारे लैपटॉप में। और यहाँ पे अभी एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर को फुल वॉल्यूम पे हमने करा हुआ है। यहाँ पे एक मिनट में आपको ऑन या ऑफ करके भी एक बार दिखा देता हूँ, आप कहेंगे वॉल्यूम नीचे करा लेना, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ऑन हो गया है। चलिए मैं यहाँ से सॉन्ग प्ले करता हूँ। तो दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी। जैसे कि मैंने बताया इसकी आप क्वालिटी सुनेंगे ना, वाकई में आपको एक मतलब फील आएगा, रिच सा फील आएगा कि आपने जो है वो एम्पलीफायर कोई अच्छा सा परचेज करा हुआ है, और जो क्वालिटी है वाकई में इसने अच्छी दी है, स्टूडियो वाली जो क्वालिटी है वो दी है। बाकी दोस्तों मैं आपको सजेशन ये दूंगा, अगर आपके पास 600+600 वाट के यानी 4 इंची वॉइस कॉल वाले अगर टॉप हैं तो आप इस पर 2 टॉप चलिए, मक्खन की तरह चलेगा, लाइव प्लस डीजे दोनों पे चलाइए। 2 ओम पे मैं पर्सनली तो ओपिनियन नहीं करता हूँ, लेकिन कंपनी ने बोला है यहाँ पे 2 ओम पे भी चलेगा, तो 2 ओम पे भी अगर आपका काम अटक रहा है तो ये एम्पलीफायर आपको धोखा नहीं देगा।
चार टॉप डालो बढ़िया बजा देगा, 800 वाट के भी चला सकते हो, यानी 800 वाट का जो है वो सेशन मैं आपको देता हूँ, 400 प्लस 400 के जो टॉप होते हैं वो आप चार टॉप इस पर डालिए, मक्खन की तरह आपको चला के देगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे ब्रिज भी आपको दे दिया गया है, पावर रेटिंग भी मैंने आपको बता दी है, 800 इसका डेम्पी फैक्टर रखा गया है, ये अच्छी बात है कि 800 डेम्पी फैक्टर इस एम्पलीफायर के साथ आता है। रही बात ये आपको एम्पलीफायर इंटरनल पार्ट से ऐसा लग रहा होगा छोटा सा है, नहीं दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे जो इसके ट्रांजिस्टर्स हैं और यहाँ पे पावर सप्लाई है वो वाकई में उतनी ही पावर के हिसाब से बनाया गया है जितनी पावर आउटपुट ये दे रहा है। बाकी दोस्तों आपको मैं ये पूरे जो पार्ट्स है वो दिखाने का यही मकसद था कि ये मार्केट में इजीली रिपेयरेबल है, बाकी कंपनी भी जो है वो आपको आफ्टर सेल सर्विस के साथ जो है वो जोड़ी रहती है, तो ये एक अच्छी बात है हमारे साथ। बाकी यही अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसकी परचेजिंग प्राइसिंग क्या है, तो दोस्तों प्राइस है इसके 25,000 रुपये, अपनी क्वालिटी से ये प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है, ये कि मुझे अच्छी बात लगी। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे कहाँ से मिलेगा, तो ये शोर होगा आपको SLV मोहाली, यहाँ पे मोहाली में है पंजाब में, तो आप यहाँ से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल व्हाट्सएप नंबर दोनों दे रखा है तो आप इस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगाइए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पैसा भेजिए उनके बैंक अकाउंट में डालिए, आपको एम्पलीफायर आपके एरिया लोकेशन नियर बाय ट्रांसपोर्ट ऑफिस या फिर कोरियर से घर तक आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। बाकी दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।